मुजफ्फरपुर के सुमेरा पंचायत अंतर्गत बड़ा सुमेरा मुर्गीचक गांव में बांसुरी बनाने वाले कारीगरों का तकरीबन 30 परिवार रहता है। ये परिवार बीते 4 दशकों से बांसुरी बनाने का काम कर रहा है। ऐसे ही बांसुरी बनाने वाले कारीगर मोहम्मद आलम बताते हैं कि बांसुरी बनाने के काम में अब पहले की तरह मुनाफा नहीं रह गया है, यह उनका खानदानी पेशा है, इसलिए उन्होंने इस काम को जारी रखा है। देखिए बांसुरी बनाने वाले इस गाँव से खास रिपोर्ट। मोहम्मद आलम। कहाँ पे आलम जी आपका घर हुआ? बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक। बड़ा सुमेरा के रहने वाले हैं। ये क्या बनाते हैं और आप कब से आप बना रहे हैं? बांसुरी बनाते हैं 40 साल से। 40 साल से बांसुरी बनाते हैं। कैसे बांसुरी तैयार होता है, क्या चाहिए होता है, इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है? जरूरत नरकट है, लड़ी का खूटी लगता है, रंग पेंट लगता है। तो नरकट खोजना आज के समय कितना मुश्किल है, कहाँ से नरकट लाते हैं? कहीं कहीं मिलता है, कहीं खोजना भी पड़ता है। कहाँ से आपने ये हुनर सीखा कि बांसुरी बनाना है? हुनर सीखा बाहर का आदमी आया हुआ था, उसी से सीखे थे। कितने साल पहले सीखे थे? पहले हमारे अब्बा सीखे थे। क्या नाम था अब्बा का आपके? मोहम्मद सदीक शाह। तो उनके बाद आप सीखे जी। आप 40 साल से बना रहे हैं, क्या बिक्री है, क्या सेल है, कहाँ बेचते हैं? बेचते हैं अपना, वही दाल रोटी चलता है। क्या मुनाफा है इसमें है, कैसा? मुनाफा वाफा कुछ नहीं है, तो वही परिवार चलता है बहुत कठिन से। अच्छा, बनाने के साथ साथ कितने बांसुरी आप तैयार कर लेते होंगे? एक बांसुरी बनाने में कितना समय लगता है? एक बांसुरी बनाने में 10 मिनट। 10 मिनट लगता है। और कितना बांसुरी आप रोजाना तैयार करते हैं? सारा औजार रहेगा तो 200-250 बन जाता है। 200-250 बांसुरी रोजाना बनाते हैं। कितने लोग होंगे आपके इस गांव में जो बांसुरी बनाने के काम से जुड़े हैं? बहुत लोग है, करीब करीब 25-30 आदमी होगा। 25-30 आदमी इस गाँव में बांसुरी बना रहे हैं। एक बार बना करके बताइएगा कैसे बनता है, लकड़ी दिखाइएगा, कौन सा नरकट क्या होता है और कैसे तैयार होता है। ये है, इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको बांसुरी का शक्ल कैसे देंगे? तैयार कर रहे हैं, ये हो गया, अब इसको दग्गी मारेंगे। क्या दग्गी मार के इसको क्या करेंगे? इसके भांति में ले जाएंगे, लोहा से छेद करेंगे छड़ से। आवाज़ कैसे आएगा इसमें, आगे में क्या कुछ लगाइएगा? हाँ, लहरी का जीभिया लगता है। ये लहरी का लकड़ी है? हाँ, ये लहरी का लकड़ी है, दाल जो खाते हो लहरी का लकड़ी है। अच्छा, लहरी का, उसी लहरी का आगे में वो लगाएंगे जी, टेपी लगता है। क्या मुसीबत आज के समय में आपको बांसुरी बनाने के कारोबार से देखना पड़ रहा है, क्या कहते हैं? मुसीबत है कि वही कुछ तरक्की उरक्की नहीं करते, कमाते हैं, खाते हैं, बस इतने भर। बस आपके लड़के बांसुरी बना रहे हैं या काम छोड़ दिया? छोड़ दिए। छोड़ दिए।